नमस्कार दोस्तों, केआर मार्केट गुरुकुल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि जो आज गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है, जो धारा 370 था कश्मीर में, उसको मतलब कि कैंसिल कर दिया है। ओके, सो उसका जो मार्केट पे इम्पैक्ट आने वाला है, वो इम्पैक्ट क्या है? ओके, और धारा 370 को भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में समझने वाले हैं, और उसका जो इम्पैक्ट आने वाला है ऑन मार्केट्स, सो वो इम्पैक्ट को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, राइट? सो दोस्तों, जैसे कि धारा 370A था, तो धारा 370A के तहत मतलब वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर में जो पावर्स थे, वो ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए थे रादर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ के कोई भी इशूज़ हो, जैसे कि टेररिज्म हो, करप्शन हो, या और भी कोई इश्यूज के साथ डील करनी हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी दिक्कतें आती थी। ओके, उनको मतलब कि कुछ परमिशंस थे कि जो स्टेट गवर्नमेंट से लेने होते थे, या उनके साथ इंटरेक्ट करके ही कोई भी डिसीजन ले सकते थे वो। तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना होता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, यदि कोई भी डेवलपमेंट इशूज वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर देते थे। तो जैसे कि मतलब कि वहाँ पे लैंड इशू था, राइट, पीपल्स मतलब लेबर इशू था, और मतलब वहाँ पे करप्शन के भी काफ़ी इश्यूज थे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, राइट? सो अभी वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। वो जो इश्यूज जो थे ड्यू टू मतलब कि धारा 370 ये, तो वो भी पूरे के पूरे इशू अभी कैंसल कर दिए गए हैं, राइट? तो वहाँ पे मतलब कैसे होगा, अभी जो गवर्नमेंट है हम लोगों का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द एक्शन। जैसे कि दिल्ली हमारा है, तो दिल्ली की तरह ही अभी मतलब कि ये भी जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट विल एक्ट इन मच मोर पावर देन द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? और जो वहाँ पे जो पुलिस फोर्स थी या आर्मी थी, तो उनको भी डायरेक्ट कंट्रोल किया जाएगा बाय द अवर सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो इसके साथ मतलब अभी जो ये जो इश्यूज थे धारा 370 के साथ चल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा मतलब कि गवर्नमेंट ने एक जो कदम उठाया है 370 को कैंसिल करने का, तो मतलब कि उसके जो इम्पैक्ट है वो लॉन्गर टर्म में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को हम लोगों को मिलने वाले हैं, राइट? अभी धारा 370 ये जो है वो जो अभी मतलब कैंसिल हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट ये आने वाला है कि हम लोगों का जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है इन टर्म्स ऑफ द टेकिंग डिसीजन, वो भी अभी लोगों के सामने आने वाली है, राइट? जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी भी काफ़ी इंक्रीज होने वाली है विद मतलब कि जो ग्लोबल भी जो मतलब बाकी की भी कंट्रीज जो इंडिया के ऊपर मतलब कि देखते हैं, इंडिया को नज़र में रखते हैं, कि तो वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। तो उसमें कैसे होने वाला है, मतलब कि वो मतलब जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी वो अट्रैक्ट करेगा इन आवर कंट्री की टू मतलब कि जो मनी है, दे विल पुट मनी इन टर्म्स ऑफ द मेनी मोर बिजनेसेस, राइट? वहाँ पे कैसे होता है, मतलब कि देखिए, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी क्या करते हैं कि यदि कोई कंट्रीज के अंदर कुछ लोकल इश्यूज है, ओके, या फिर कोई टेररिज्म के इश्यूज है, तो वो भी मतलब कि थोड़ा फियरफुल रहते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी, राइट? जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ अफ्रीका का, तो अफ्रीका में भी यदि कोई इन्वेस्टर या ग्लोबल इन्वेस्टर मनी पुट करता है वहाँ पे, तो अराउंड 50% तक का रिटर्न या 50% से ज़्यादा का भी रिटर्न वहाँ पे मिल जाता है, राइट? बट द पीपल्स आर नॉट अट्रैक्टेड, ग्लोबली इन्वेस्टर्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू पुट देयर मनी इन अफ्रीका, राइट? व्हाई दिस इज सो, मतलब वहाँ पे जो लोकल इशूज उनके चल रहे हैं, वहाँ पे एनवायरमेंट जो है दैट इज नॉट पीसफुल एनवायरमेंट, राइट? तो वो इश्यूज के चलते दे आर मतलब कि फियरफुल इन इन्वेस्टिंग देयर मनी। तो अभी कश्मीर का भी इशू यदि प्रॉपरली रिजॉल्व हो चुका है, रिजॉल्व हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, उनका मनी भी मतलब कि दे विल पुट देयर मनी इन अवर इकोनॉमी। सो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, इकोनॉमी का जो रेट है, सो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज, राइट? जैसे अभी मतलब पहले कैसे होता था कि धारा 301 के चलते वहां पे मतलब कि जो करप्शन भी था, तो वो करप्शन भी काफ़ी हद तक अभी मतलब कि ख़त्म ही किया जाएगा, राइट? वहाँ पे मतलब कि जो ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी का भी एक कश्मीर एक स्वर सी कहा जाता था, राइट? सो अभी ब्लैक मनी पर भी काफ़ी मतलब कि मैं ऐसे कहूँ कि वहाँ पे भी उस पर तंग कसा जाएगा, वहाँ पे वो भी मतलब ब्लैक मनी भी थोड़ा सा कम हो जाएगा,
राइट। और मतलब जो इन्वेस्टर्स है जो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ प्रॉपर्टी लेके उसको प्रॉपरली टूरिज्म के चलते डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको भी मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलेगी बिजनेस करने की, और जो वहाँ का टूरिज्म भी है तो टूरिज्म को भी नए इन्वेस्टर्स के चलते एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ग्रोथ रेट उसका टूरिज्म का भी ग्रोथ रेट वहाँ पे बढ़ेगा। तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज मतलब कि इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी वहाँ पे आने वाले हैं। ओके, जैसे अभी वहाँ पे मैं यदि एक इशू भी डिस्कस करूँ आपके साथ कि गवर्नमेंट को पर एनम 1 लाख करोड़ रुपीज का फंड वहाँ पे देना होता था फॉर द पर्पज ऑफ मतलब कि जो टेरर अटैक्स है या फिर बाकी की भी वहाँ पे जो आर्मी है सो आर्मी के डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट को देने होते थे। फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उस इतने बड़े फंड के अंदर भी यदि करप्शन हो तो बहुत सी चीजें वहाँ पे इम्पैक्ट होती थी। तो अभी मतलब कि जो है काफी इम्प्रूवमेंट हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ द मतलब कि इकोनॉमी, राइट। और मार्केट भी फिर अभी ऐसे नहीं है कि धारा 370 है अभी कैंसल हुआ है तो कल ही जाके आपको निफ्टी बाय करके रखना है, राइट, दैट इज नॉट द केस। या आज मार्केट मतलब आज निफ्टी जो गैप डाउन खुला था दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द मतलब जो 370 को कैंसिल किया गया उसका इम्पैक्ट आज मार्केट पे आया है, दैट इज द ग्लोबल क्यूज, और उसके चलते ही आज भी मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुला है, राइट। बट ऐसे भी नहीं है कि कल जाके हम लोगों को मार्केट में निफ्टी बाय करके रखना है कि अच्छे इम्पैक्ट्स ऑन मार्केट वहां पे आने वाले हैं, राइट। तो एक लॉन्गर टर्म में जो है लॉन्गर टर्म में इम्पैक्ट वहां पे आने वाले हैं इसके, राइट। तो हम लोगों को जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं सो वी नीड टू टेक द ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन ओनली, ना कि फिर चलिए ऐसा कुछ हुआ है सो बड़ा कुछ क्यू आया है सो उसी के ऊपर हम लोग हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, सो दैट इज नॉट द केस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसके जो इम्पैक्ट है कि जो धारा 370 का कैंसलेशन हुआ है तो उसके जो इम्पैक्ट है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को वो अवेयर करेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट करेंगे टू पुट देयर मनी इन इंडियन मार्केट, राइट। क्योंकि कैसा है बीजेपी का भी जो बीजेपी ने भी जो कैंपेन किया था देयर पॉलिटिकल कैंपेन, राइट, तो तब उन्होंने कहा था ड्यूरिंग इलेक्शन इलेक्शंस की वो 370 को हटा देंगे, राइट। तो गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी थी वो काफी हद तक वहां इंक्रीज हुई है कि जो उन्होंने बोला है वैसा ही उन्होंने किया है, राइट। सो दिस इज द केस कि दिस इज द केस ऑल अबाउट कि धारा 370 के जो इम्पैक्ट मार्केट पे आने वाले हैं, राइट, ग्लोबली भी इंडिया की जो इमेज है वो इमेज काफी हद तक सुधर जाएगी बाय टेकिंग सच काइंड ऑफ द स्ट्रिक्ट एक्शन, राइट। मतलब जो भी वहां पे देख सकते हैं आप जो भी प्रॉब्लम थे जैसे लेबर का प्रॉब्लम, लेबर रिफॉर्म था, लैंड रिफॉर्म था, सो वो भी प्रॉब्लम काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, अगेन मतलब कि गवर्नमेंट का एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री या डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट में मतलब कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है इकोनॉमी का जो रोड ब्लॉक्स जो इकोनॉमी के सुधार के अंदर आ रहे हैं तो वही है लैंड रिफॉर्म, अगेन मतलब कि लेबर रिफॉर्म, और पीएसयू भी जो है सो पीएसयू का भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है ऑन 370A, राइट, वहां से इकोनॉमी सुधरने सुधर सकती है। सो आगे चल के ये भी हो सकता है गवर्नमेंट को भी काफी बड़े बड़े लॉसेस बेयर करने पड़ रहे हैं इन द पीएसयू, जो पीएसयू मतलब अभी लॉसेस में चल रहे हैं सो वो भी पीएसयू के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं गवर्नमेंट को लॉसेस के, तो उसका यदि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कर देगा सो काफी हद तक इकोनॉमी के सुधार में भी हम लोगों को मतलब देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ मैं कि 370 के जो भी इम्पैक्ट यहाँ पे होने वाले हैं ग्लोबली ग्लोबल इम्पैक्ट या मैं कहूँ लोकल इम्पैक्ट, तो वो आपको समझ में आए हो और इनको ही हम लोग मार्केट में मतलब आप कोरिलेट करें और मतलब अकॉर्डिंगली अपने ट्रेडिंग डिसीजंस विथ प्राइस एक्शन प्रॉपरली आप ले सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।